नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं कविता सिंह। और मैं दामिनी कपूर। और मैं राहुल सुंदन। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महिला के मुंह पर कालिक पोतने और जूतों की माला पहनाने के केस में एक और खुलासा, जिंदा जलाना चाहते थे आरोपी। छात्रा से अश्लील बातें करने पर बिलासपुर में प्राध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन, कॉलेज में जमकर लगाए नारे। हिमाचल में मानवाधिकार आयोग का गठन जल्द, हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने रखा सरकार का पक्ष। प्रदेश में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, कैबिनेट मीटिंग में प्राइमरी स्कूलों में खाली पद भरने पर लगेगी मुहर। चिट्टे और चर्च के खिलाफ दहाड़ा हिमाचल, बिलासपुर में निकाली शव यात्रा, ऊना में महीना भर होगा बार। और बिलासपुर के पंचगाई में मंडी और सोलन के पहलवानों ने जमाई धाक, अब जालंधर में दिखाएंगे दम। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। न जाने फिजिक्स का कौन सा लॉ है कि जो चीज जितनी अहम होती है ना, उतनी ही नजर में नहीं आती। जैसे स्टील पाइप देश के हर हिस्से हर घर में दिखेगा, कभी नन्ही शरारतों में तो कभी कामयाबियों में दिखेगा, कभी रिश्तों की खूबसूरतियों में दिखेगा, कभी मुस्कुराहटों में। कभी अपनों की खुशियों में दिखेगा, या फिर पेड़ों को कटने से बचाने के, हमेशा दिखेगी आपको एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स की अनदेखी ताकत, जो मजबूती दे रही है आपको, देश को। लो, रोज गुजरता हूँ, मेरा ही ध्यान नहीं है। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। न्यूज बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अरब समाचार विस्तार से। सरका घाट में बुजुर्ग महिला के मुंह पर कालिक पोतने और जूतों की माला पहनाकर घुमाने के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने दिए गए बयान में पीड़िता और उसके परिजनों ने दो टूक कहा कि आरोपियों के मंसूबे बुजुर्ग को जिंदा जलाने के थे। इससे पहले पुलिस जाँच अधिकारी ने बुधवार को पीड़िता को अदालत में पेश कर उसकी बेटियों और दामादों की उपस्थिति में बयान लिए। बेटी और दामाद ने बताया कि वायरल वीडियो में आरोपी माचिस लाकर जलाने और शमशान घाट में पानी पिलाने की बात कर रहे हैं, जिससे लगता है कि वे उनकी मां को जान से खत्म करने की साजिश रच रहे थे। पीड़िता की बेटी ने बताया कि वारदात के वक्त जान बचाने के लिए अगर उसकी मां एचआरटीसी की बस में ना चढ़ती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जान से मारने का प्रयास करने की धारा जोड़ने की भी मांग की है। इसी बीच महिला एसोसिएशन फॉर सेविंग्स हेल्थ अवेयरनेस ने समाहल गाँव में हुई इस वारदात के खिलाफ सरकाघाट बाजार में जुलूस निकाला और मौन प्रदर्शन किया। संस्था ने हर महिला का सम्मान करने का संदेश देकर लोगों से सद्भाव बनाए रखने की अपील की। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार तार कर बिलासपुर कॉलेज के एक प्राध्यापक ने छात्रा के साथ मोबाइल पर अश्लील बातें कर डाली। बार बार प्राध्यापक की ज्यादती का शिकार छात्रा ने बड़ी ही चतुराई से आरोपी की बातें रिकॉर्ड कर ली और हिम्मत दिखाते हुए प्राचार्य से मामले की शिकायत कर दी। जंगल में आग की तरह फैली इस खबर से गुस्साए छात्र छात्राओं ने बुधवार को कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। नारी शक्ति, नारी शक्ति। प्राध्यापक की करतूत से खफा छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार भी किया और कार्रवाई न होने की सूरत में उग्र आंदोलन की धमकी दी। एक्चुअली बात स्टार्ट यहाँ से हुई कि वो उस लड़की को कॉल करते हैं और कॉल पे मतलब सेक्सुअल हरासमेंट की चीजें करने के लिए उसको कहते हैं और साथ में मीन्स उसके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं। अभी विद्यार्थी परिषद ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द उस टीचर को दरखास्त कर दिया जाए। प्रदेश में अब जल्द ही मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। हाई कोर्ट के कड़े आदेशों के बाद बुधवार को प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष बयान दर्ज करवाया कि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर रजिस्ट्रार जनरल को सूचित कर दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने जयराम सरकार को आदेश दिए थे कि वह लोकायुक्त की नियुक्ति पर स्थिति स्पष्ट करे। अब प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार ने 4 महीने का वक्त मांगा है। बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह 1 सप्ताह के भीतर बताए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों नहीं की गई। केस की अगली सुनवाई मार्च 2020 में निर्धारित की गई है। हिमाचल के युवाओं के लिए शिक्षा विभाग में नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में खाली चल रहे अलग अलग श्रेणियों के पदों को भरने का मसौदा तैयार कर लिया है और अब 18 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन पर मुहर लग जाएगी। बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग ने खाली पदों की सारी रिपोर्ट तैयार कर सचिवालय भेज दी है। अब 18 नवंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक युवाओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आने वाली है। देवभूमि में दिनों दिन दानव बन रहे नशे के खिलाफ पहाड़ ने मोर्चा खोल दिया है। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए बुधवार को जगह जगह रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। बिलासपुर में अलग अलग संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने शहर में शव यात्रा निकाल कर युवाओं को नशे से बचने का संदेश दिया। इतना ही नहीं, शहर में रैली निकालने के बाद एएसपी भागमल ने चिट्टा, चरस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब से दूर रहने का आह्वान किया। वहीं ऊना ने भी नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिलाधीश संदीप कुमार ने ऐलान किया कि नशे को जड़ से मिटाने के लिए जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला ऊना में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है वो नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों में पंचायत स्तर पर नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। लोगों को नशे से दूर रहने के बारे में जो है वो बताया जाएगा। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर शैक्षणिक संस्थान में पंचायत स्तर पर कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे और अंत में 15 दिसंबर को ग्राम सभा में नशे के खिलाफ जो है वो जो मुहिम प्रशासन ने चलाई है उसके ऊपर नशे के ऊपर वहां पर चर्चा करेंगे। वहीं मंडी के करसोग में नशे के खिलाफ सामूहिक बिगुल बजाते हुए लोगों ने ऐलान जंग कर दिया है। बुधवार को एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में मैराथन बैठक के दौरान महीना भर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया गया। करसोग उपमंडल के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सभी कॉलेज, सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम एक दिन का एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे जिसमें पंचायती राज के प्रधान, महिला मंडल, युवक मंडल सभी भाग लेंगे और हमारे मुख्य डिपार्टमेंट्स हेल्थ और पुलिस और हमारा आरडी डिपार्टमेंट उसमें रहेगा और बताया जाएगा कि किस ढंग से नशे से बचा जा सकता है और किस ढंग से नशे पे काबू पाया जा सकता है और नशा कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रदेश भर में 20 नवंबर तक हॉर्न और टोके अभियान चलाया जाएगा। बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 20 नवंबर तक यह मुहिम छेड़ेगा। विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बताया कि हॉर्न और टोके अभियान के तहत अभी शिमला और मनाली में ही लोगों को जागरूक किया गया है। कैंपेन के तहत स्कूली बच्चों को भी साउंड पॉल्यूशन के बारे में जागरूक किया गया है, साथ ही उन्हें लोगों को जगाने के लिए स्टिकर भी बांटे गए हैं। उन्होंने स्कूली बच्चों से आग्रह किया है कि वे सप्ताह में एक बार स्कूल के किनारे हॉर्न नॉट ओके, दिस इज साइलेंस जोन और स्कूल एरिया नो हॉर्न प्लीज का प्ले कार्ड लेकर लोगों को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि स्पेशल ड्राइव के तहत पेंटिंग, वाद विवाद और प्रस्ताव लेखन प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। उपचुनाव के मतदान से पहले ही प्रदेश भर में 97 वार्ड पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। नामांकन भरने की अंतिम तारीख तक 97 वार्ड मेंबर्स के लिए एक एक उम्मीदवार ने ही नाम दर्ज करवाया है, इस कारण इन्हें निर्विरोध सदस्य चुन लिया गया है। वहीं पंचायत समिति के 2 सदस्यों का चयन भी निर्विरोध किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज और करसोग की बालीदार पंचायत समिति का एक एक सदस्य निर्विरोध चुना गया है। ऐसे में अब प्रदेश की पंचायतों में खाली चल रहे 223 पदों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए मतगणना वोटिंग खत्म होने के ठीक बाद शुरू हो जाएगी। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती 18 नवंबर को होगी।
आसमान में छाए काले बादलों के कारण हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बुधवार को केलांग देश भर में सबसे ठंडा रहा। यहां का तापमान -0.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं श्रीनगर का पारा 0.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। विभाग की माने तो 14, 15 और 16 नवंबर को शिमला, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान, ओले और बर्फबारी कड़ा इम्तिहान लेने वाले हैं। बुधवार को आसमान में काले बादलों के घिरने से चली ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश भर में शीतलहर का दौर जारी रहा। इससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खबर की पुष्टि की है। और अब खेल समाचार। बिलासपुर के पंजगाई में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश भर के पहलवानों के दांव पेंच देखकर लोग दंग रह गए। चैंपियनशिप में लड़कों की स्पर्धा में मंडी और लड़कियों में सोलन ने जीत की पताका लहराकर प्रतिभा का जमकर प्रदर्शन किया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी शमशेर गौतम ने शिरकत कर विजेता पहलवानों को इनाम देकर सम्मानित किया। प्रदेश कुश्ती संघ के महासचिव परशुराम अवार्डी जगदीश कुमार ने बताया कि विजेता पहलवान अब जालंधर में होने वाली नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में अन्य प्रदेशों के पहलवानों से टक्कर लेते नजर आएंगे। और अब चलते चलते रोहतांग दर्रा बहाल। बीआरओ की मेहनत से पहले दिन 110 गाड़ियां हुई आर पार। टेट आर्ट्स मेडिकल के प्रश्न पत्र में गलतियों की भरमार, सही उत्तर ऑप्शन में ही नहीं। अंब हमीरपुर रोड पर ड्राइवर ने खड़े ट्रक से दे मारा टेम्पो, एक की दर्दनाक मौत। और पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा 20 को, कर्मचारी चयन आयोग लेगा इम्तिहान। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं गौरी शंकर की आवाज में यह प्रस्तुति। तू मोए अछरी है, तू मोई बे कंपनी रे बाबू वे, तू मोई बे, तू मोए अछरी है, तू मोई बे कंपनी रे बाबू वे, तू मोई बे, तू मोए अछरी है, तू पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।